हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। सीयूएम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम अमरसी परिवेश का एक लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फोर्थ है DGTA यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, आज इसके अंदर हम यूनिट सेकंड का स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1 रहेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले ये जो यूनिट सेकंड है हमारे पास है, इसके अंदर आप नोट कीजिए कि टोटल लेक्चर होंगे आपके पास 10 लेक्चर 1 to 10 होंगे। और इसके लिए हमारे पास JPS की बुक को हम बेस मान के और इसके क्वेश्चंस एंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो JPS की बुक में हमारे पास चैप्टर 4 है, इस यूनिट का सिलेबस है। चैप्टर 4 का नेम है हमारे पास कर्व ऑन सरफेस है, और ये बुक के अंदर पेज 179 टू 211 के पेज तक हमारे पास सिलेबस है। या टॉपिक की बात करें तो टॉपिक 4.01 से 4.18। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास इस यूनिट सेकंड के अंदर हमारे पास सिलेबस क्या होगा। तो अगर मैं सिलेबस को एक बार स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूँ तो आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड का सिलेबस है, बट आपको जो पार्ट करना है वो मैंने ब्लू पेन से टिक किया हुआ है। देखो इसके अंदर मेट्रिक ऑफ ए सरफेस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फंडामेंटल फॉर्म्स, वेनगार्टन इक्वेशन, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सम इम्पोर्टेंट सरफेसेस एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेट्री। तो यहाँ से मैंने जो ब्लू पेन से नीचे टिक किए हुए हैं ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका सिलेबस का पार्ट से है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ यूनिट सेकंड का सिलेबस है। इसके अंदर टोटल 10 लेक्चर होंगे। JPH की बुक हमारे पास है आधार मान के हम इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है या और आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने पास टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए मैथ्स बाय नरेश जी सर, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है आज चैप्टर 4 है JPS की बुक का, DGTA पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर 4 का नाम क्या है, कर्व ऑन सरफेस। तो ये कर्व ऑन सरफेस हमारे पास क्या होती है एक प्रकार से, तो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर साइड में तो इसके काउ की शेप बनी हुई है और उस साइड में हमारे पास 3D में एक शेप है जिसके अंदर हमें एक कर्व ऑन सरफेस दिखाई दे रही है। या फिर आप सेकंड पिक्चर देख सकते हो, जैसे अपन घर पे सोते हैं जो हमारे पास बेडरूम में गद्दा होता है वो भी एक प्रकार से क्या है, प्लेन सरफेस है, 3D के अंदर है, वो भी देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, इनके अंदर भी कर्व है और ऊपर वाले पिक्चर के अंदर साइड में जो लिखे हैं ये इनकी शेप के क्या है, कर्व है। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए ये जो कर्व की जो सरफेस है, ये कर्व की हमारे पास जो सरफेस है, जैसे अब आपके पास जो इस वक्त बुक है वो बुक एक प्रकार से 3D के अंदर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। अब अगर आप बुक के कवर पेज के ऊपर ऐसे आराम से हाथ आने दोगे, प्लेन सरफेस है, तो हमारे पास क्या होती है, वो कर्व की सरफेस होती है या किसी शेप की सरफेस होती है। तो इस चैप्टर 4 के अंदर सबसे पहले यही लिखोगे आप नोट लगा के या एरो का साइन लगा के, सरफेस है सरफेस इन टू डायमेंशन ओनली, सरफेस इन टू डायमेंशन ओनली। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको मान लो इस वक्त मैं अपने एक बार इस रजिस्टर के ऊपर दिखाना चाहूँ तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस है, और ये थर्ड इसकी जो मोटाई है ये हमारे पास इसकी जेड एक्सिस है। अगर मैं इसके ऊपर एक बार ऐसे ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है एक्स एक्सिस की, ये हमारे पास इसकी दूसरी वाली सरफेस है, और ये हमारे पास है थर्ड सरफेस है, मतलब ये भी हमारे पास 2D के अंदर है वाई एंड जेड के अंदर, ये एक्स एंड वाई के अंदर और ये एक्स एंड जेड के अंदर। तो मतलब हम है तो हमारे पास 3D के अंदर से, बट उसकी सरफेस हमेशा कितने डायमेंशन लेके होती है, 2 डायमेंशन से ओनली। ठीक है, तो सरफेस सबसे पहले इस चैप्टर 4 में यही लिखोगे पेज 179 के ऊपर, ये अपने पास बुक में चैप्टर है कर्व ऑन सरफेस है। तो सबसे पहले आप नोट्स की बनाने की शुरुआत यहीं से करेंगे कि सरफेस है वो 2D होती है या सरफेस इन 2 डायमेंशन ओनली। ओके, अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस। पहला ही पहला टॉपिक क्या आएगा हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ ए सरफेस, इक्वेशन ऑफ ए सरफेस। देखो इक्वेशन ऑफ सरफेस में हमारे पास है 3 टाइप की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। नंबर 1 कार्टेशियन फॉर्म, नंबर 1 कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म।
अब देखो कार्टेशियन फॉर्म हम यूनिट 5 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस वगैरह करके ला रहे थे। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होगा, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जो सरफेस का क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, कभी कभी इसका दूसरा नाम इम्प्लीसिट Implicit और या फिर इसका एक नाम है कॉन्स्टेंट इक्वेशन, कॉन्स्टेंट इक्वेशन। इसके हमारे पास तीन नाम है कि इक्वेशन ऑफ सरफेस मैक्सिमम आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा, या इसका ये इम्प्लीसिट फॉर्म है और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट इक्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। तो जैसे हमारे पास आए इक्वेशन ऑफ सरफेस इन कार्टेशियन फॉर्म, आप तुरंत क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। और अगर हमें टू सरफेस लेनी होंगी तो एक तो एफ वन लगाएंगे और एक हम एफ टू लगाएंगे, जैसा आप प्रीवियस यूनिट के अंदर किया करते थे। बट हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है, हमें केवल एक सरफेस लेनी है इक्वेशन ऑफ सरफेस और उसका कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, फिर सेकेंड हमारे पास आएगी पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकेंड हमारे पास क्या आएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। और पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि इफ एक्स वाई जेड, इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ, इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ। अब बताइए किसके फंक्शन होंगे, टू पैरामीटर के, इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर, टू पैरामीटर देन x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू x इंटू यू इंटू वी, वाई इज इक्वल टू वाई यू इंटू वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड यू इंटू वी। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको u एंड v स्मॉल लिखने हैं, और मैं u को तो ऐसे लिखूंगा इस शेप में और v के ऐसे ऊपर ऐसे मूव करेंगे इसको इधर से। ठीक है, तो ये हमारे पास है u इंटू वी, वी यू इंटू वी एंड u इंटू वी, एक तो एक्स एक्सिस के साथ, एक y एक्सिस के साथ एंड एक ही जेड एक्सिस के साथ है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जो सरफेस है, जो हमारे पास है सरफेस है, ये एक्स एक्सिस की सरफेस है, ये y एक्सिस की सरफेस है एंड ये जेड एक्सिस की, ये हमारे पास क्या है ओरिजन। माना कि एक सरफेस तो हमारे पास इस वाली है, फिर ये आ गई हमारे पास है सेकेंड सरफेस। ठीक है, जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको ऑसिलेटिंग प्लेन, इसको रेक्टिफाइंग प्लेन एंड इसे नॉर्मल प्लेन माना था, तो ये एक प्रकार से प्लेन आ गई, ये सरफेसिस हो गई, ये एक्स एंड वाई, तो ये कौन सी डायरेक्शन की होगी, 2D की। ये वाली सरफेस हमारे पास वाई एंड जेड 2D की, ये जेड एंड सरफेस जेड एक्स 2D की, तो मतलब पैरामीटर कितने होंगे हमारे पास, ओनली 2। किसकी वजह से, सरफेस इन टू डायमेंशन ओनली, इसलिए हमारे पास ओनली 2 पैरामीटर होंगे। तो एक्स इज इक्वल टू, और वो पैरामीटर हमने क्या मान लिया, यू एंड वी। प्रीवियस लेक्चर में अंदर एक तो हम आर्क लेंथ एस लेते थे, आर्क लेंथ एस क्योंकि कर्व की लेंथ पी और इसका नेबरहुड पॉइंट की वजह से जाती थी पी क्यों। दूसरा हम वहां पैरामीटर को टी मानते थे क्योंकि हमारे पास ओनली कर्व था, वो वन डायमेंशन में था, और आज हमारे पास 2D में, तो टी की वजह आप क्या ले लेंगे, पैरामीटर स्मॉल यू एंड स्मॉल वी। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि इक्वेशन ऑफ सरफेसिस के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, 2D में होंगी तो यू इंटू वी पैरामीटर ले लेंगे, ये टी की जगह ही आएंगे। यूनिट फर्स्ट में कव 1D में था तो पैरामीटर टी, 2D में है तो यू एन टू वी। तो ये हमारे पास आ गया पैरामीटर इक्वेशन, एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ टू पैरामीटर, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स यू इन टू वी, वाई इज इक्वल टू वाई यू इन टू वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड यू इन टू वी। और ये तीनों हमारे पास क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीट्रिक सरफेस को। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या लिख सकते हैं अपन रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक सरफेस को, पैरामेट्रिक फॉर्म को। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस का क्या गया, रिप्रेजेंट सरफेस है इन पैरामेट्रिक, रिप्रेजेंट सरफेस, रिप्रेजेंट सरफेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म।
थर्ड हमारे पास आएगा वेक्टर फॉर्म, जैसे यूनिट फर्स्ट में किया करते थे ठीक इसी प्रकार वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब याद करो एक बार प्रीवियस यूनिट का, वेक्टर फॉर्म के अंदर हम क्या कहते थे, आर इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, वाई इंटू टी एंड जेड इंटू टी, ऐसे लिखते थे कि हम x इज इक्वल टू या r वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू टी एक साथ लिखते थे, वो 1D में था। आज हमारे पास सरफेस किसके अंदर है, 2D के अंदर है, टू डायमेंशन के अंदर है, और 2D के लिए हमारे पास पैरामीटर क्या है, u एंड v। तो वेक्टर फॉर्म में आप डायरेक्ट क्या लिखोगे कि r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इंटू यू एंड वी। तो इसका साथ साथ यूनिट फर्स्ट से कंपेयर होता रहेगा, वो 1D में चल रही थी, हमारे पास आज ये वेक्टर फॉर्म किसके अंदर है, 2D के अंदर है। तो आप जैसे आएगी वेक्टर फॉर्म तो आप लिखोगे r वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर इंटू यू वी, रिप्रेजेंट सरफेस इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर ये सरफेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसका दूसरा नाम है गॉसियन फॉर्म, तो इसको लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म, ये किसके नाम से जानी जाती है, इक्वेशन ऑफ सरफेस इन गॉसियन फॉर्म, इट इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ सरफेस इन गॉसियन फॉर्म, ठीक है। वही साइंटिस्ट है जो फिजिक्स में पढ़ा करते थे, गाउस का नियम होता था, गाउस रूल से, वही गॉसियन का क्या है, फॉर्म है, ओके। और कोई कुछ साइंटिस्ट इसे ओरिजिनेटर भी कहते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ ए डीजी, यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ओरिजिनेटर क्या होता है, उसका एक प्रकार से वेक्टर फॉर्म ही होता है। और वेक्टर नाम से ही स्पष्ट है, ये किसका रोल रहता है, देखो वेक्टर किसका है, एक प्रकार से डायरेक्शन का रोल रहता है। और क्या लगे, यू इंटू वी, यानी टू डी की डायरेक्शन है। पहले वाली यूनिट थी यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टी, वो वन डायमेंशन होती थी, क्योंकि कर्व हमारे पास ऐसे जा सकता है या मूव कर सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, कोई एक डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही एक्स वाई जेड थी, नो डायरेक्शन के अंदर था, बट वहाँ हमारे पास पैरामीटर टी था 1D की वजह से। आज हमारे पास सरफेस 2D है, इसकी वजह से कितना आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर यू इंटू वी। तो ये सबसे पहला ही पहला टॉपिक था हमारे पास है, इक्वेशंस ऑफ सरफेसेस है, एंड इक्वेशन ऑफ सरफेसेस को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। अब जैसे ही कोई थ्योरम आएगी या एग्जांपल आएगा या कोई क्वेश्चन आएगा, वहाँ लिखा आएगा इक्वेशन ऑफ सरफेस से कार्टेशियन फॉर्म, तो आप तुरंत लिखोगे एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर हमारे पास आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, और वहां तो एक्स टी वाई टी जेड टी थे, आज क्या आ जाएंगे, एक्स एक्स यू इंटू वी, वाई यू इंटू वी, जेड यू इंटू वी, टू डायमेंशन की वजह से। थर्ड है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू यू इंटू वी, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म का दूसरा नाम आप ध्यान में रखना, इक्वेशन ऑफ सरफेस इन गॉसियन फॉर्म, और ये ओरिजिनेटर ऑफ ए डिफरेंशियल ज्योमेट्री या डीजी। और इस कार्टेशियन फॉर्म का दूसरा नाम है इम्प्लिसिट और कॉन्स्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो लिखो एक बार ये आप, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक कर्व। पहला टॉपिक हो गया ना इक्वेशन ऑफ ए सरफेसेस, अब हमारे पास है पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन सरफेस, पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन सरफेस, ठीक है। आज हमारे पास क्या टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है इसके अंदर पैरामेट्रिक कर्व और पैरामेट्रिक ऑन ए सरफेस। अब बताइए नाम से ही स्पष्ट है किस फॉर्म के अंदर लेंगे हम, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सरफेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सरफेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्यों लिया भाई हमने इक्वेशन ऑफ सरफेस को पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि नाम से स्पष्ट है पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन ए सरफेस। क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू एक्स यू इंटू वी, टू डायमेंशन की वजह से,
y इज इक्वल टू वाई यू इन टू वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड। आप इस स्मॉल u को नीचे से लिखोगे और v को आप ऊपर से क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सरफेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जो हमें जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अब हम क्या लिखेंगे, इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर हमारे पास ही इसका एक पैरामीटर है ये कॉन्स्टेंट रह जाए, देन देन x इज इक्वल टू एक्स यू, वाई इज इक्वल टू वाई यू एंड जेड इज इक्वल टू जेड यू। और ये क्या करेगा, दैट इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर, दैट इंप्लाइज फंक्शंस एक्स वाई जेड आर सिंगल पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर, ठीक है। और सिंगल पैरामीटर कौन सा बच गया, यू। सो फंक्शन एक्स वाई जेड आर सिंगल पैरामीटर है यू, ओके। तो सो दिस, मैं लिख ही देता हूं, सो दिस पैरामेट्रिक कर्व या सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट कर्व इज नॉन एज, इज नॉन एज पैरामेट्रिक कर्व, इज नॉन एज पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन सरफेस, और कर्व ऑन सरफेस और पैराम यू कर्व, और यू कर्व, इसका ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई, और यू कर्व। कहने का मतलब हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कर्व निकालना है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ सरफेस को किस फॉर्म में ले लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स यू वी, वाई इज इक्वल टू वाई यू वी, जेड इज इक्वल टू जेड यू वी। इसको ऐसे समझो आप एक बार कि ये हमारे पास टू डी के अंदर चल रहा है, मेरा मार्कर उठना नहीं चाहिए, कभी मैं इधर जाता हूँ कभी मैं इधर जाता हूँ, ये मेरे पास क्या बनता है, कर्व बनता है। तो मेरे पास पैरामीटर क्या हो गए, टू डी के अंदर यू इन टू वी, यानी एक्स डायरेक्शन की ओर जाओगे तो यू है, वाई डायरेक्शन की ओर जाओगे तो आप वी है, 2D में हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर स्ट्रेट चल रहा हूं, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट स्ट्रेट काओ बना रहा हूं। तो एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन भी क्या होती है, एक काओ, तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो V क्या हो गया, कांस्टेंट। अब V कांस्टेंट होगा तो बताओ क्या बचा हमारे पास, से सिंगल पैरामीटर। तो हमने ले लिया कि इफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, सिंगल पैरामीटर, x इज इक्वल टू एक्स यू, y इज इक्वल टू वाई यू एंड z इज इक्वल टू z इनटू u, इसका मतलब दैट इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर सिंगल पैरामीटर यू। तो सिंगल पैरामीटर यू है तो यही जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो पैरामीट्रिक कर्व कहलाएगा या कर्व ऑन सरफेस कहलाएगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, यू कर्व, ठीक है। और आप इसे बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या कहलाएगा, यू कर्व। अब जरूरी तो नहीं है वी ही कॉन्स्टेंट रहे, देखो जरूरी तो नहीं है कि ये पैरामीटर वी ही कॉन्स्टेंट रहे, मैं बोल दूं कि अगेन अगेन इफ यू कॉन्स्टेंट हो जाए, इफ यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बताइए अगर यू कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या बचेगा, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स वी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वी, वाई इज इक्वल टू वाई वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड वी, सेम आ जाएगा ना हमारे पास, कि भाई अब की भाई यू कॉन्स्टेंट हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वी वाई इंटू वी जेड इंटू वी। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इंप्लाइज एक्स वाई जेड, दैट इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर सिंगल, सिंगल पैरामीटर, पैरामीटर। अब की बार सिंगल पैरामीटर कौन आ गया, ऊपर वाले में यू, वी कॉन्स्टेंट था यू, अब की बार यू कॉन्स्टेंट है तो सिंगल पैरामीटर क्या आ गया मेरे पास है, वी। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, सो सेम लाइन लिखनी है आपको, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट कर्व और इज नॉन एज, ये जो कर्व को रिप्रेजेंट करेगी ये किस नाम से जाना जाएगा, पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन सरफेस, ये नाम तो सेम ही रहेंगे, पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन सरफेस और कर्व ऑन सरफेस और वी कर्व, सिंगल पैरामीटर वी है इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा हमारे पास है, वी कर्व। तो ध्यान रखना आपके पास एक तो यू कर्व है और एक वी कर्व है।
अब इसे बिल्कुल शॉर्ट में कैसे याद रखना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसको याद रखोगे x इज इक्वल टू एक्स यू वी, वाई इज इक्वल टू वाई यू वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड यू वी। अब मैं बोलूं पैरामेट्रिक इक्वेशन हटा के मैं कहूं बोलूं तो आप बोलो x इंटू यू वाई इंटू यू जेड इंटू यू, या फिर x इज इक्वल टू एक्स इंटू वी वाई इंटू वी एंड जेड इंटू वी, ये मेरे पास क्या कहलाएगा पैरामेट्रिक का। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में लिखना है तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, बट याद रखने का सिंपल स्वीट सा फॉर्मूला है कि 2D के अंदर है, 2 डायमेंशन है, तब तो ये क्या कहलाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, और एक एक वेरिएबल हटाओ चाहे तो यू मिस करो या वी को स्किप करो तो ये क्या कहलाएगा पैरामेट्रिक कर्व या कर्व ऑन सरफेस, यू दिखाई देंगे इधर तो यू कर्व या वी दिखाई देता है तो वी कर्व कहलाता है। ओके, लिखो इसको यहाँ पर। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग ए पैरामेट्रिक कर्व। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास है टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग पैरामेट्रिक कर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा एक छोटे छोटे टॉपिक है। अभी बताइए आपने इक्वेशन ऑफ सरफेसेस निकाला है। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ सरफेसेस नंबर 1 की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म जिसे हम इम्प्लिसिट फॉर्म और कंस्ट्रेंट फॉर्म इक्वेशन के नाम से जानते थे, क्या होती है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड हमारे पास क्या थी पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या कहते थे एक्स इज इक्वल टू एक्स यू इंटू वी, वाई इज इक्वल टू वाई यू इंटू वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड यू इंटू वी। थर्ड हमारे पास क्या थी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म का मतलब आर वेक्टर आर यू इंटू वी। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन तो आ गई पैरामेट्रिक कर्व होंगे तो या तो u होगा और या फिर v होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू या तो x इंटू यू y इंटू यू, या तो देखो हमारे पास है ऐसे होगा कि सिंगल होगा v कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे तो कितना होगा x इज इक्वल टू x u, y इज इक्वल टू वाई यू एंड जेड इज इक्वल टू जेड यू, या फिर हमारे पास क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वी एंड जेड इज इक्वल टू जेड इंटू वी। अब ये भी किया ना सेकेंड टॉपिक, इसको हमने यू काओ भी नाम दिया था और इसको हमने वी काओ भी नाम दिया था। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक क्या है टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग पैरामेट्रिक कर्व, और पैरामेट्रिक कर्व कौन कौन से हो गए हमारे पास, या तो यू कर्व हो गए और या वी कर्व हो गए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे नंबर 1 कि टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग यू कर्व एट पॉइंट पी इज पैरामेट्रिक कर्व। एक तो हमारे पास क्या आ गया यू कर्व, दूसरा हमारे पास कौन सा कर्व है वी कर्व। तो सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे कि टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग वी कर्व एट पॉइंट पी इज। तो ये तो पैरामेट्रिक कर्व का हमने काम में ले लिया कि या तो यू कर्व होगा या फिर हमारे पास वी कर्व होगा। अब देखो इसके साथ एक वर्ड और क्या आ रहा है वेक्टर, और वेक्टर का मतलब क्या होता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, और वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर यू इंटू वी, आर वेक्टर इज इक्वल टू यू इंटू वी। तो जो आप पॉइंट नोट करने वाले हो उसको क्या बोलोगे आर वेक्टर, या जो पॉइंट आपने पी लिया है उसको हम क्या बोलेंगे आर वेक्टर इज, और ये क्या है वेक्टर। तो आप क्या करोगे डेल आर वेक्टर बाई डेल यू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास है डेल आर वेक्टर बाई डेल वी। चलो ऐसे लिखो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे यू के रिस्पेक्ट में, तो ये तो क्या बचेगा डी आर वेक्टर बाई, इधर ही लिख देता हूं मैं डी आर वेक्टर बाई डी यू, एंड ये हमारे पास कितना बचेगा वी कर्व की वजह से डी आर वेक्टर बाई डी वी, डी आर वेक्टर बाई डी वी।
ठीक है। अब देखो आप दो चीजें नोट करो आप एक बार कि हमारे पास ये जो वेक्टर है u का o के सापेक्ष, तो वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, इस वेक्टर फॉर्म में हम r वेक्टर लिखते हैं स्मॉल r इंग्लिश अल्फाबेट का, तो r वेक्टर इंटू यू इंटू वी। अब ये जो r वेक्टर है इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, या तो u है और या v है, तो बताइए अगर आपके पास से टू और मोर वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन रहेगा या फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन रहेगा भाई, तो इसका क्या होगा, हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आपने बहुत बार बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आज से चार साल पाँच साल पहले जैसे अपनी सुविधा के हिसाब से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन पढ़ते थे तो आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे और उसको क्या बोलते थे, एफ डैश एक्स। और फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में कैलकुलस का पार्ट था या आंशिक अवकल समीकरण हिंदी मीडियम वाले ने जरूर पढ़ के आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो होता था जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तब आप इसका ऐसे लगा करते थे डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, तो मतलब आप डी की बजाय क्या लगाते थे, डेल। तो यहां मेरे पास ये जो वेक्टर वर्ड है वेक्टर, और वेक्टर का मतलब आर वेक्टर आर यू इंटू वी, तो कितने वेरिएबल आ गए, टू, टू वेरिएबल आ गए तो डिफरेंशिएशन डी लगाओगे या डेल लगाओगे, डेल, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल आर वेक्टर और बाई डेल यू, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल आर वेक्टर बाई डेल वी। तो ध्यान देना आपको d नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, डेल लगाना है, और ये वास्तव में r वेक्टर ऐसे है u इंटू वी, और ये वास्तव में कैसे है, u इंटू वी, बट आप r वेक्टर u इंटू वी लिखो या सिंगल r वेक्टर लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई ई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल r वेक्टर बाई डेल u, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात डेल r वेक्टर बाई डेल, ठीक है। तो आपको याद रखना है टॉपिक है हमारे पास है टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग पैरामेट्रिक कर्व, और पैरामेट्रिक कर्व कौन कौन से होते हैं, या तो यू कर्व होता है और या वी कर्व होता है, यू कर्व होगा तो यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड वी कर्व होगा तो वी कर्व की वजह से पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब डी ना लगा के हम किसको यूज में लेंगे, डेल को यूज में लेंगे, हम डी ना लगा के किसको यूज में लेंगे भाई, डेल को यूज में लेंगे। अब हम क्या कहते हैं, इनको सिंबल नाम देते हैं कि इसका सिंबल होगा आर वन वेक्टर, इसका सिंबल क्या होगा, आर वन वेक्टर, और इसका सिंबल क्या होगा, आर टू वेक्टर। और सिंबल होने का मतलब तीन इक्वल के साइन लगाऊंगा, अदरवाइज ऐसे तो ये बराबर में मान लिया जाएगा, आगे तो हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे कि आर वन की वैल्यू ये होती है, बट एक्चुअली होता क्या, ये आर वन का सिंबल है एंड ये R2 वेक्टर का सिंबल है। कोई भी स्टूडेंट उलझेगा नहीं कि R1 कौन सा है एंड R2 कौन सा है, गलती से बचने के लिए आप रफली ऐसे लिख लेना कि R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर U इंटू वी। देखिए R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में U इंटू वी, बस आपने इसको ऐसे लिख दिया कि U की जगह 1 आ गया और V की जगह क्या आ गया, 2, U की जगह 1 आ गया, V की जगह 2, और इसको और ज्यादा याद करने का, ये x एक्सिस है फर्स्ट डायरेक्शन नंबर 1 और ये y एक्सिस है डायरेक्शन नंबर 2, डायरेक्शन नंबर 2 को हमने V नाम दिया, पहले वाली डायरेक्शन को हमने U नाम दिया, इसको डायरेक्शन को फिक्स कर दिया कि x एक्सिस की ओर U है, y एक्सिस की ओर V है, ठीक है। तो आप इसको लिखना मत एग्जाम में, बस ऐसे ही आपको समझने के लिए लिखना है कि r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर u इंटू v लिखो, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि u क्या है, 1 है, v क्या है, 2 है, क्योंकि मैं कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स लेके आऊंगा जो मैं यहां नोट लगा के लिखने वाला हूं। नोट जैसे मैं बोलूं r1 वेक्टर, अब अपने आप ही समझ जाओगे r1 का मतलब क्या है, u है, तो डेल r वेक्टर बाई डेल u, डेल आर वेक्टर बाई डेल यू। फिर मैं बोलूं आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, डेल आर वेक्टर बाई टू का मतलब क्या है, हमारे पास वी है। फिर हमने बोल दिया आर वन वन वेक्टर, आपके पास नेक्स्ट आएगा आर वन वन वेक्टर, वन का मतलब यू और इसको वन का मतलब बी यू, तो आप क्या लिखोगे, डेल टू यू बाई, सॉरी ऊपर तो डायरेक्शन सेम होगी ना, वन एंड टू, टू डी की वजह से, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, डेल टू आर वेक्टर, डेल टू आर वेक्टर अपॉन यू इंटू यू यानी डेल यू टू।
फिर मेरे पास आ जाएगा आर वन आर टू टू वेक्टर, आर टू टू वेक्टर, टू टू का मतलब टू में वी, टू में वी, तो ये कितना आ जाएगा डेल टू आर वेक्टर बाई डेल वी टू, डेल आर वेक्टर बाई डेल वी टू। फिर हम निकालेंगे आर वन टू वेक्टर, आर वन टू वेक्टर, वन का मतलब डेल टू तो फिक्स आ जाएगा ऊपर, डेल टू आर मतलब सिंगल है तो आप सिंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे, टू डायमेंशन है तो आप टू लिखेंगे। वन का मतलब क्या है इधर देखो यू, टू का मतलब क्या है वी, वन का मतलब क्या है यू, टू का मतलब क्या है वी। फिर आप लिखोगे आर टू वन वेक्टर, अब बताइए टू का मतलब हमारे पास फिर से क्या हो गया वी, और वन का मतलब हमारे पास क्या हो गया यू, वन का मतलब हमारे पास क्या हो गया यू। अब वही बीएससी फर्स्ट ईयर जो अपने कैलकुलस या आंशिक अवकल समीकरण या पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसमें ऐसे होता था कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई लिखो या डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स लिखो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर क्या होते हैं इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे आर वन वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर इज इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल डेल टू आर, देखो ऊपर तो फिक्स रहना है पैरामीटर वेक्टर फॉर्म का आर, डेल यू डेल वी लिखो या फिर आप डेल टू आर वेक्टर बाई डेल वी डेल यू लिखो, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स आर वन टू एंड आर टू वन इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, आर वन टू एंड आर टू वन इज ऑलवेज इक्वल। कहने का मतलब आपने अभी छह रिजल्ट्स निकाल लिए, आर वन वेक्टर क्या होता है आर टू वेक्टर, आर वन वन वेक्टर, आर वन टू वेक्टर, आर टू वन वेक्टर एंड आर टू टू वेक्टर, ठीक है। वन एंड टू यू एंड वी के चक्कर में मत पड़ना, बस इसको ऐसे याद रखना यू का मतलब वन है वी का मतलब टू है, या वन का मतलब यू है टू का मतलब वी है। तो ये वन है इसका मतलब ये डेल आर वेक्टर बाई डेल यू है, टू है इसका मतलब डेल आर वेक्टर बाई डेल वी है, वन वन हो गया मतलब रिपीट हो गया तो डेल टू आर वेक्टर बाई डेल यू टू, वन टू है तो डेल टू आर बाई डेल यू डेल वी, और ये डेल टू आर वेक्टर बाई डेल वी डेल यू, एंड ये डेल टू आर वेक्टर बाई डेल वी टू, वी वी हो गए ना तो डेल वी टू, क्योंकि आगे चल के हम इसे ए बी सी या ई एफ जी या जी एच आई कैपिटल ए बी सी डी इसको हम नाम देंगे और हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फंडामेंटल वेक्टर्स निकाल के लेके आएंगे। तो टॉपिक को ध्यान में रखना, वेक्टर और वेक्टर का मतलब ही आपके पास सिंबल क्या हो गए आर वन आर टू आर वन वन आर वन टू आर टू वन एंड आर टू टू। तो अब आप फिर से ऐसे लिखोगे कि टॉपिक क्या है हमारे पास टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग पैरामेट्रिक कर्व, और इसका मतलब आपके पास क्या हो गया आर वन वेक्टर R2 वेक्टर, R11 वेक्टर, R22 वेक्टर, R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया टेंजेंशियल वेक्टर, उनकी वैल्यू क्या होती है डेल क्यू लगाया, ये मैंने आपको समझाई दिया है, ठीक है। और फिर ऐसे लिखोगे कि टू मेंबर ऑफ U फैमिली और V फैमिली नेवर इंटरसेक्ट, नोट करो भाई इसे यहां तक। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। आपको छोटी सी डेफिनेशन दी जा सकती है कि ऑर्डिनरी पॉइंट की एंड सिंगुलर पॉइंट की, और देखो याद कैसे रखोगे आप कि अभी अभी हमने निकाले हैं आर वन वेक्टर एंड ए आर टू वेक्टर, ओके अभी अभी हमने क्या निकाले हैं आर वन वेक्टर एंड ए आर टू वेक्टर, इसको पहले तो शॉर्ट में याद रखो। अगर आर वन और आर टू का क्रॉस प्रोडक्ट या तो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा या फिर जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं होगा, देखो दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि R1 और R2। अब बताइए R1 का मतलब हमारे पास कितना है भाई U हो गया ना डेल R वेक्टर बाई डेल U, एंड R2 का मतलब क्या हो गया टू का मतलब V डेल R बाई डेल V, ठीक है। तो हमको पहले देखो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन कैसे याद रखते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। अगर आपके पास R1 क्रॉस R2 वेक्टर या तो नॉट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होंगे या फिर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होंगे, अगर नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो आप इसको बोल देना कि ये क्या कहलाता है ऑर्डिनरी पॉइंट,
ये क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी पॉइंट। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर R1 क्रॉस R2 का वेक्टर जीरो वेक्टर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है। R1 एंड R2 भी आप जानने लग गए। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल जीरो वेक्टर तब तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑर्डिनरी पॉइंट। और इक्वल जीरो के आगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर पॉइंट। अब ये भी ध्यान रखना, ऑर्डिनरी पॉइंट का दूसरा नाम है रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट है, और ये जो सिंगुलर पॉइंट है इसको सिंगुलरिटी भी बोलते हैं। इसको सिंगुलरिटी भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको विचित्रता बोलते हैं। बट आपको एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि डिफाइन, क्वेश्चन बना के दे दे कि डिफाइन डिफाइन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, तब आपको इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखनी है? तो आप इसका सॉल्यूशन से लिखोगे कि लेट आर वेक्टर, क्योंकि आर वन एंड आर टू क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, और ये किसके हैं? एक सरफेस यू एंड वी के हैं। तो इसका आंसर किस से लिखोगे आप? सॉल्यूशन डेफिनेशन आ जाएगी कि लेट R वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर U इंटू वी बी ए सरफेस बी ए सरफेस एंड P यू वी बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस। और किसी सरफेस के ऊपर पॉइंट कैसे होता है? जैसे ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई पॉइंट आ गया P, तो उसकी भी कितनी डायरेक्शन है? U इंटू वी। देन इफ एट पॉइंट P, इफ एट ए पॉइंट P, देन इफ एट पॉइंट P R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इज नॉन एज, या देन पॉइंट पी इज नॉन एज, देन पॉइंट पी इज नॉन एज ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर सॉरी ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर पॉइंट और रेगुलर पॉइंट। ठीक है, एंड इफ एट पॉइंट पी आर वन वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर देन पॉइंट पी इज नॉन एज देन पॉइंट पी इज नॉन एज सिंगुलर पॉइंट नॉन एज सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कैसे याद रखना है? ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है? आर वन क्रॉस आर टू नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड सिंगुलर या सिंगुलरिटी क्या होती है? आर वन क्रॉस आर टू इज इक्वल टू जीरो। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोटा सा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे पार्ट बना के कि डिफाइन ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। बस बात तो यही है, ये वाली, दैट आर वेक्टर को सरफेस दिखा के इसके ऊपर कोई पॉइंट लेके इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को दिखाओ। नोट करो इसे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? है पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दोनों ही रूप में ये आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और पैरामेट्रिक का मतलब या तो यू होगा और या वी होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि लेट ए कैपिटल पी यू वी बी ए पॉइंट। लेट ए कैपिटल यू वी बी ए पॉइंट,
और हमारे पास पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड, और कौन सी सरफेस भाई, कोई भी एक सरफेस है, जैसे ये वाला सरफेस ले लो अक्ष एक्सिस, ये यू डायरेक्शन है और ये हमारे पास है वी डायरेक्शन है, इसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया पी यू इन टू वी, ये पॉइंट इधर आ सकता है, कहीं भी इसकी सरफेस के ऊपर हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट पी यू वी बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस एंड, अब मान लो इसकी इमेज मेरे को इधर दिखाई दे रही है, अब मान लो इस पॉइंट की मेरे को इमेज इधर दिखाई दे रही है और ये इमेज मेरे पास है इस प्रकार दिखाई देगी u इंटू वी, ठीक है, उल्टी दिखाई देगी, बट हम ऐसे तो इसको लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि एंड p स्टार, p को सिंबल बदलेंगे स्टार लगाएंगे ऊपर, u का सिंबल बदलेंगे स्टार लगाएंगे, v का सिंबल लगाएंगे स्टार लगाएंगे, b इट्स इमेज, इट्स इमेज, ठीक है, इसकी जो परछाई दिखेगी इधर, इसको बोले क्या बोलेंगे, इट्स इमेज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है। पहले हमने एक पॉइंट लिया, नॉर्मली हमने एक पॉइंट लिया पी किसी एक सरफेस के ऊपर, अब हमने इसकी इमेज देखी, तो बताओ क्या इसकी इमेज इसी वाले सरफेस के ऊपर आएगी, नहीं, ये बदल के इस वाले सरफेस पे आ गई ना, तो इस सरफेस को तो मैं नाम दे देता हूं एस, कि लेट पी यू वी बी पॉइंट ऑन द सरफेस एस एंड इट्स इमेज, पी बदल गया पी स्टार में, यू यू स्टार में, वी स्टार में, बी इट्स इमेज ऑन द सरफेस, सरफेस को एस दिया है तो ऐसे स्टार कर लो, ठीक है, तो इसको कर लो, पी को हमने पी स्टार, यू स्टार, वी स्टार, तो एस को भी हम किस में बदल देंगे, ऐसे स्टार, देन फॉलोइंग इक्वेशन, देन फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन, और फॉलोइंग का मतलब मैं इसके नीचे कुछ लिखने वाला हूँ, याद रखो अगर आपने यहाँ U लिखा है तो आपको इधर U लिखना होगा, अगर आपने इधर V लिखा है तो आपको इधर V लिखना होगा, अगर आपने इधर U स्टार लिखा है तो आपको U स्टार लिखना होगा, एंड आपने V स्टार लिखा है तो आपको इधर V स्टार लिखना होगा, पहले आप पैरामेट्रिक इक्वेशन को ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, समझते हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रकार से इसकी इमेज हमें दूसरी सरफेस के अंदर दिखाई दे रही है और हमें उसके इक्वेशन ही फाइंड करने हैं, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, अगर पॉइंट पी पी स्टार में चेंज हो गया तो यू यू स्टार में, वी वी स्टार में, तो आपके पास पैरामीटर कौन से है, यू वी, देखो पहले वाले पैरामीटर क्या थे, इस वाली सरफेस के अंदर हमारे पास है u इंटू वी, अब ये चेंज होके हमारे पास इस वाली सरफेस s की बजाय सरफेस s डैश में आ गए, क्या हो गए, p स्टार u स्टार और v स्टार, बट u v u स्टार एंड v स्टार पैरामीटर तो है ही, चाहे इसके अंदर देखो चाहे इसकी इमेज के अंदर देखो, तो इसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, u को u रहने देंगे, v को v रहने देंगे, u स्टार को u स्टार रहने देंगे, v स्टार को v स्टार रहने देंगे। अब देखो U किसके अंदर चेंज हो गए, UV U स्टार V स्टार में, तो इधर आप लगाओगे U स्टार V स्टार, सिंपल V है तो आप लिखोगे U स्टार V स्टार, अब U स्टार में आ गए तो आप सिंपल U एंड V और इसे लिखोगे सिंपल U एंड V, ठीक है, ये सभी क्या जानी जाती हैं, और नाउन एज, और नॉन एज, नॉन एज पैरामेट्रिक, और नॉन एज पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये हमारे पास क्या जानने देते हैं, पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, कहने का मतलब आप दो चीजें फिक्स करके चलो ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो, जैसे आप देखते हो ये हमेशा अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट बदल जाओ चाहिए पर अक्ष की डायरेक्शन नहीं बदलेगी एंड वाई की डायरेक्शन, मतलब यहाँ हमेशा अक्ष का, ऐसे थोड़ी है कि आपने थ्री और फोर लिखे तो ये बोलोगे कि देखो वाई की वैल्यू थ्री है, नहीं, ये हमेशा किसकी मानी जाएगी, और अब सीसा की, और ये किसकी मानी जाएगी, ऑर्डिनेट की, कहने का मतलब एक हमारे पास अक्ष एक्सिस है, एक हमारे पास है वाई एक्सिस है, हिंदी में मैं लिखना नहीं चाहता पर हिंदी वाले इसे याद करो, ये भुज होती है और ये कोटी होती है, ये इसको इंग्लिश में अवशिषा, अवशिषा, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं,
तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको अब लिख लेना कि अवशिषा अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। तो अपने पास पॉइंट क्या है, यू इंटू वी, यानी ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ये वी एक्सिस से वाई डायरेक्शन में है, ये हमारे पास यू डायरेक्शन में है एंड ये हमारे पास है वी डायरेक्शन में है, तो यू वी चेंज नहीं होंगे, ये यू वी चेंज नहीं होंगे। अब आपको यू का इक्वेशन चाहिए, यू लगाइए, वी का चाहिए, वी लगाइए, यू स्टार का चाहिए, यू स्टार लगाइए, वी स्टार का चाहिए, वी स्टार। अगर इधर स्टार लगाए तो सिंपल छोड़िए, और अगर इधर सिंपल है तो इधर स्टार लगाइए अंदर की साइड में, ठीक है। अगर ये सिंपल है तो अंदर स्टार लगाइए, ये सिंपल है तो अंदर स्टार लगाइए, और बाहर स्टार लगाओ तो इसको अंदर सिंपल छोड़िए। ये सभी हमारे पास क्या कहलाएंगी, पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, पर हम हर एक थ्योरम के अंदर या कुछ थ्योरम्स आएंगी, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन आएंगे, हम अगेन एंड अगेन पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज में लेते रहेंगे। उस वक्त में इनमें से कोई भी एक कोई भी इक्वेशन लिखो, चाहे आप तुरंत समझ जाना बाहर स्टार है अंदर से यू एंड वी, ऐसे मत कर देना। बहुत बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि ये वी लिख दिया और ये यू, नहीं, अवशिषा अपनी जगह रहेगा एंड ऑर्डिनेट अपनी जगह रहेगा, यानी यू को यू की जगह रखना है, वी को वी की जगह, स्टार लगे या ना लगे वो बाहर की सिचुएशन देख के पता चलेगा, ठीक है। अब नोट करो इसे, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझते ही हैं, यू और वी चेंज नहीं होंगे, यू एंड वी चेंज नहीं होंगे, यू अपनी जगह से वी अपनी जगह से चेंज नहीं होंगे। अगर आप बाहर U लगाना चाहें तो U आ जाएगा, बाहर V लगाना चाहें तो V आ जाएगा, अगर आप U स्टार लगाना चाहते हैं तो U स्टार आ जाएगा, एंड V स्टार लगाना चाहते हैं तो V स्टार आ जाएगा। अब बाहर स्टार अंदर सिंपल, बाहर सिंपल अंदर स्टार, ये सभी हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांस इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको केवल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास टॉपिक में क्या नाम है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टॉपिक में हमारे पास क्या है भाई, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको क्या लिखना है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि आप ऐसे लिखोगे यू इंटू वी अपॉन यू इंटू वी Not is equal to zero. Not is equal to zero. ठीक है, मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख लेता हूं कि डेल यू बाई डेल वी, आपको क्या लिखना है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, कि डेल यू इंटू वी अपॉन डेल यू इंटू वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब आपकी मर्जी, चाहे आप ऊपर वाले सिंपल छोड़ो या नीचे वाले के स्टार लगाओ, जैसे मान लिया आपने ऊपर वाले सिंपल छोड़े और नीचे क्या लगाया यू स्टार एंड वी स्टार, फिर आपने दोबारा लिख दिया कि डेल यू वी, अब की बार हमने ऊपर वालों के स्टार लगाया और नीचे वाले के यू इंटू वी को सिंपल छोड़ दिया, नॉट इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दो, मैंने यू एंड वी, यू एंड वी, यू एंड वी को चेंज नहीं किया, क्योंकि यू अवशिषा की जगह है और वी ऑर्डिनेट की जगह है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती हैं भाई, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं, कि डेल यू वी अपॉन डेल यू स्टार वी स्टार, मतलब यू वी है तो यू के स्टार स्टार लगा दो, अगर ऊपर स्टार एंड यू स्टार एंड वी स्टार आ गए तो आप नीचे यू एंड ए वी लगा दो, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सिंबल आ गया हमारे पास जे वन, एंड इसका सिंबल हमारे पास क्या आ गया, जे टू। देखो इसका सिंबल हमारे पास क्या गया, J1, एंड इसका सिंबल हमारे पास क्या गया, J2। कोई जरूरी नहीं है, आप इसे J2 लिख सकते हैं और इसे J1 लिख सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आप एक बार ऐसे याद रख लेना, वन है तो U और V डायरेक्शन सिंपल है, एंड टू है तो U स्टार एंड V स्टार आ गया, और इक्वल का एक बार आप साइन लगा लेना। और ये J क्या है हमारे पास, ये है भाई जेकोबियन,
ठीक है, ये जे क्या है, जेकोबियन। आप डी ई एंड एस एफ यानी हमारे पास जो थर्ड पेपर है एमएससी का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन से, उसके अंदर जेकोबियन इटरेटिव मेथड्स आता है, ठीक है। तो हमारे पास इस जे का नाम क्या होगा भाई, जेकोबियन, ठीक है। तो हमारे पास जेकोबियन फर्स्ट कंडीशन, जेकोबियन का सेकेंड, तो ये नॉट इज इक्वल टू जीरो होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इस जेकोबियन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, अब हम इस जेकोबियन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और ऐसे बोलेंगे कि ये जे वन है, ये जे वन है। अब देखो इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या है सिंपल यू, ऊपर क्या है हमारे पास सिंपल यू, तो आप इसको छोड़ो डेल यू एंड डेल यू, डेल यू एंड डेल यू, ठीक है। पहले तो यू यू इंटू यू, फिर हमारे पास क्या है वी वी इंटू वी, फिर हम लिखेंगे वी अपॉन डेल वी अपॉन कुछ आएगा, और जे टू हमारे पास क्या आएगा, जे टू, जे टू में पहले क्या है यू स्टार, तो आप इसको ऐसे लिखोगे डेल यू स्टार अपॉन, फिर हमारे पास क्या है सेकेंड नंबर पे वी स्टार, तो हम इसको लिखेंगे डेल वी स्टार अपॉन डेल वी स्टार अपॉन, ठीक है, डेल वी स्टार। अब ये मेरे पास क्या है यू स्टार, मतलब यू को तो पहले यू एंड यू लिखेंगे और जो नीचे स्टार है उसको इधर लिखेंगे डेल यू स्टार, डेल यू स्टार, इसके नीचे कौन आ जाएगा डेल वी स्टार, डेल वी स्टार, इसके नीचे कौन आ जाएगा डेल यू एंड इसके नीचे कौन आ जाएगा डेल वी एंड डेल वी। ये आपको याद रखना है भाई, डेल यू एंड डेल वी, कि ये हमारे पास एक प्रकार से हमने डिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर ले आए कि जे वन किसके इक्वल होता है, ये जो जेकोबियन है ये जे वन, आप इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको इसके ही इक्वल है। देखो डेल यू अपॉन डेल यू वी अपॉन डेल यू स्टार वी स्टार का मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ये इस प्रकार से है, एंड डेल यू स्टार वी स्टार का मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है इस प्रकार से जेकोबियन है। तो ये हमारे पास क्या किस नाम से जाने जाएंगे, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ऊपर वाले तो सिंपल रखने हैं, यू वी है तो यू यू एंड वी वी, अगर ऊपर यू स्टार वी स्टार है तो यू स्टार एंड वी स्टार, मतलब ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल चलेंगे और नीचे वाले हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये पैरालेल हो गए, ये हॉरिजॉन्टल, यू स्टार यू यू वी स्टार वी एंड वी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऊपर अगर डेल यू आ गया तो यू इंटू यू चलने दो, नीचे वी इंटू वी, इसके नीचे यू स्टार एंड इसके नीचे वी स्टार, ठीक है। कहने का मतलब डेल यू अपॉन डेल यू स्टार, डेल यू अपॉन डेल वी स्टार, फिर डेल वी अपॉन डेल यू स्टार, डेल वी अपॉन डेल वी स्टार, ठीक है। मान लो आप अगर एक बार फिर से इसको यहीं से देख के लिखना चाहो, अगर आप इसको यहीं से देख के नोट करना चाहो, वो तरीका याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे करो, कौन है पहले यू स्टार, तो आप इसको लिखो डेल यू स्टार किसके रिस्पेक्ट में, डेल यू के रिस्पेक्ट में, फिर कौन है डेल यू स्टार वी के रिस्पेक्ट में, डेल यू स्टार वी के रिस्पेक्ट में, फिर वी स्टार डेल यू के रिस्पेक्ट में, डेल वी स्टार इस यू के रिस्पेक्ट में, एंड ये वी स्टार है इस नीचे वाले वी के रिस्पेक्ट में। तो ये पहले फर्स्ट इसके रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड, फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो के अंदर वी स्टार यू के नीचे, वी स्टार वी के नीचे, ये किसकी वैल्यू कहलाएगी। अब इधर से देख के बोल सकते हो यू एंड यू, तो पहले क्या है यू स्टार, फिर वी एंड वी क्या है वी स्टार, और बाहर लगाएंगे डेल अपॉन यू यू यानी यू एंड वी इंटू वी यानी वी। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, या इसको डिटर्मिनेट में लगाने के बाद आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। नोट करो इसे। देखिए ये हमारे पास है आज के लेक्चर वन में, ये जो हमारे पास है लेक्चर वन है, ये हमारे पास है बेसिक लेक्चर के नाम से जाना जाएगा,
ये हमारे पास जो लेक्चर वन है ये हमारे पास है बेसिक लेक्चर वन से जाना जाएगा। इसके अंदर आज हमने 6 ही टॉपिक कवर किए हैं। नंबर वन इक्वेशन ऑफ सरफेस, जिसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड वेक्टर फॉर्म में। और इसके अंदर वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आर वेक्टर आर यू इंटू वी। फिर सेकेंड टॉपिक हमारे पास है पैरामेट्रिक कर्व और कर्व ऑन सरफेस। इसके अंदर याद रखना है या तो यू कर्व होगा और या हमारे पास है वी कर्व होगा। फिर थर्ड है टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग पैरामेट्रिक कर्व, जिसके अंदर हमारे पास है आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर, आर वन वन वेक्टर, आर वन टू वेक्टर, आर टू वन वेक्टर एंड आर टू टू वेक्टर की वैल्यू। वन यू का काम करेगा, टू वी का काम करेगा और डेल बाई डेल डेल चलेगा डिफ्रेंशिएशन की वजह। फिर हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर का क्रॉस नॉट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है, जिसको दूसरा रेगुलर पॉइंट नाम देते हैं। सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, आर वन क्रॉस आर टू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जिसे सिंगुलरिटी बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में अगर यू है यू यू इंटू वी तो स्टार लगा दीजिए, अगर आपने यू के स्टार लगाया है यू स्टार तो इसे सिंपल छोड़ दिए, ऐसे ही वी के लिखिए। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या, एक प्रकार से जेकोबियन है, ये चलेगा यू इंटू वी तो ये आ जाएगा यू स्टार और वी स्टार नॉट इज इक्वल टू जीरो, जिसे हम जेकोबियन से डिनोट करते हैं। या फिर आप डेल यू स्टार डेल वी स्टार अपॉन डेल यू इंटू वी सिंपल छोड़ोगे नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसे भी हम जेकोबियन बोलते हैं। कहने का मतलब आज के लेक्चर में हमारे पास ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी, एग्जाम में पूछे ना पूछे बट हमें इसके बगैर क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा, ये हमारे पास बेसिक लेक्चर के नाम से जाना जाएगा। अब आप बिल्कुल तैयार हैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए, जैसे ही हम लेक्चर टू में आएंगे वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, अब मैं ये टॉपिक्स दोहराने वाला नहीं हूँ कि इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर क्या है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैं डायरेक्ट इनकी इक्वेशन यूज में लेने वाला हूँ। और उस लेक्चर में मैं बार बार यही बोलूँगा कि अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इस बेसिक लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास 6 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, जिसको मैंने अच्छे से समझाया है और याद रखने का तरीका बताया। अब आपको मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर 2 के